ये जो मक्का के बाफले आप देख रहे हैं, देखिए कितने बढ़िया बने हैं, अंदर तक देखिए कितने बढ़िया सिके हैं। और इन्हें हमने बनाया है बिना किसी मोयन के, बिना बेकिंग पाउडर के, और फिर भी देखिए किस तरह चूरमे की तरह टूट रहे हैं। तो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बनाना शुरू करते हैं हम ये खिले खिले मक्का के बाफले। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिया है ये 1 किलो के लगभग मक्का का आटा है, जिसमें मैंने डाल दिए 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, हल्का सा हाथ से क्रश कर लेते हैं। 1 किलो आटे में करीब 14-15 बाफले बनेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, बहुत ज़्यादा नमक भी नहीं डालिए। और उसके बाद 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा, जिसे हम खाना सोडा भी बोलते हैं और घर में इजीली मिल भी जाता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये सभी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जो ये 1 किलो मक्का का आटा लिया है तो इसमें मीठा सोडा जो है वो 1 चम्मच से कम नहीं डालें, नहीं तो जो बाफले हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। हाँ, 1 चम्मच से थोड़ी सी मीठे सोडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं लेकिन घटाएं नहीं। और अब हम ले लेंगे ये गुनगुना पानी, इससे हमें इस आटे को गूंथना है। ध्यान रखिए जब भी मक्का और बाजरे का आटा गूंथे तो उसके लिए गुनगुना पानी यूज करें, क्योंकि गुनगुने पानी से जब हम आटा गूंथते हैं तो बहुत सॉफ्ट आटा गूंथता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इस आटे को गूंथ लेंगे। इस तरह से पानी डालते जाएंगे और आटे को इकट्ठा करते जाएंगे। अगर 5-7 बाफले का आटा गूंथ रहे हो तो इजीली गूंथ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें ज़्यादा बाफले बनाने हो और आटा गूंथने में प्रॉब्लम आ रही हो तो हम इस तरह से इजीली इस आटे को गूंथ सकते हैं। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। अभी मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल देती हूँ और फिर इसे मैं 2 बार करके गूंथूंगी। तो ये देखिए, थोड़ा आटा मैं इसमें से गूंथ के पहले निकाल लूँगी और बचे हुए आटे को फिर गूंथ लूँगी। तो इस तरह से आप ज़्यादा आटे को भी इजीली गूंथ सकते हैं। तो ये लीजिए, आटा हमारा तैयार है। अब हम इसकी बना लेते हैं लोइयां। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मोयन डाल सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि मैंने इसमें बिल्कुल भी मोयन नहीं डाला है और उसके बावजूद भी हमारे जो मक्का के बाफले हैं वो बहुत बढ़िया बनेंगे। तो अब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। तो इस तरह से हाथों से दबा दबा करके हम इस आटे की लोइयां बना लेंगे। तो एक बार में हमें जितने बाफले बनाने हैं उतनी लोई हम बना लेंगे और बाकी बचे हुए आटे की लोइयां हम उस बीच में बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने करीब 8 से 9 जो लोइयां हैं बाफने के लिए वो बना ली है और बाकी जो आटा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैं रख देती हूँ। इससे क्या होगा कि आटा जो है वो सॉफ्ट रहेगा और बाकी के बाफले बनाने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो बाफले हैं ये हम इडली स्टैंड में बनाएंगे। तो ये इडली स्टैंड में देखिए मैंने पानी भर दिया है और गैस ऑन कर देते हैं और इस पानी को हम बॉयल होने देते हैं। और ये जो इडली के जो सांचे हैं इसमें हम लगा लेंगे हल्का सा रिफाइंड तेल या घी, जो भी आप लगाना चाहें, और इसके अंदर हम इन बाफलों को रख देंगे। ट्रेडिशनली जो ये बाफले बनाए जाते हैं इनके अंदर पापड़ खार डाला जाता है, लेकिन चूंकि पापड़ खार हर जगह इजीली मिलता नहीं है तो उसकी जगह हमने इसमें मीठे सोडे का यूज़ किया है। और अब इन्हें हम बॉयल करने की जगह इडली स्टैंड में बनाएंगे, क्योंकि बॉयल करने में क्या है कि कई बार ये लगता है कि बॉयल करते समय कहीं ये फैल तो नहीं जाएंगे, तो उससे आपकी यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब हम इसे बना रहे हैं इडली स्टैंड में तो इसमें फैलने का कोई डर नहीं है और बहुत बढ़िया बाफले बनेंगे। तो अब हम इसे कवर कर देते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। 20-25 मिनट के लिए ढक्कन को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। और 25 मिनट के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया बाफले बने हैं।
तो अब आप इन्हें चेक करने के लिए देखिए, एक नाइफ ले लीजिए और इस तरह से इंसर्ट कीजिए। देखिए बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, यानी कि हमारे बाफले बनकर के तैयार है। और ये देखिए इस तरह से आप पलट कर भी देख सकते हैं, हल्का हल्का सा ब्राउन कलर इनपे आ जाता है, यानी कि हमारे बाफले बनकर के तैयार है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और सभी बाफले मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया सिके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा ब्राउन कलर इन पे आ गया है, ये देखिए नीचे की साइड से। तो बस इसी तरह से हमें सारे बाफले बना लेने हैं। बॉयल बाफले की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप चाहे तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप बॉयल्ड बाफले बनाना चाहते हैं तो वो रेसिपी को ज़रूर देखें। तो ये बची हुई बाफले की जो लोइयाँ हैं वो भी हम इस सांचे में रख देते हैं और सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके हम ये बाफले भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बचे हुए बाफले भी मैंने रख दिए हैं। तो सभी बाफले हमारे बन करके तैयार हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आप इन बाफलों को किस किस तरह से खा सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो यही है कि आप गरम गरम इन्हें इस तरह से बना लीजिए और दाल के साथ, चटनी के साथ ऐसे ही खाइए। और दूसरा तरीका ये है कि आप इन्हें पहले बना करके रख लीजिए और जब खाना हो तो अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में गर्म कर लीजिए। माइक्रोवेव नहीं है तो जिस तरह से हम कढ़ाई में बेकिंग करते हैं कढ़ाई में आप इन्हें गर्म कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास में बाटी ओवन है तो बाटी ओवन में आप इन्हें करीब 5 से 7 मिनट के लिए सेक करके खा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इन्हें ऐसे ही खाएंगे। ये देखिए इस तरह से तोड़ लीजिए और फिर दाल चटनी के साथ खाइए। और अगर आपको घी से परहेज नहीं है और आप 1 से 2 चम्मच घी खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से तोड़िए और इसके ऊपर 1-2 चम्मच गरम गरम घी डालिए और फिर खाइए। घी डालने के बाद ये बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम नमकीन चूरमा खा रहे हों। और बच्चे तो इसे नमकीन चूरमा समझ कर ही खाते हैं। तो ये देखिए 2-3 चम्मच मैं इस पर गरम गरम घी डाल देती हूँ और फिर इन्हें सर्व करूंगी। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये लीजिए हमारे बाफले सर्व करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह की आसान, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की हेल्दी और आसान रेसिपीज मिलेंगी जो कि हेल्दी होने के साथ साथ खाने में टेस्टी होती हैं और बनाने में बहुत आसान। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।